हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू मेथड टू फैक्टराइज द गिवन पोलिनोमियल दैट इज स्प्लिटिंग मेथड। आज हम एक नई मेथड की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग मेथड की जिससे आपको जो पोलिनोमियल दी है उसको फैक्टराइज़ कैसे करते हैं यूजिंग दिस मैथड राइट सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस मैथड पहले हमें दो फॉर्मूला समझने हैं स्टूडेंट्स जो कि आप ऑलरेडी एट स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हो दो आइडेंटिटीज है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसकी जगह हम इसका एक्सपांशन क्या होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर क्लियर एंड अनदर आइडेंटिटी इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है इधर प्लस है और इधर क्या दिया है माइनस सो so इसका हम एक्सपांशन क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सिर्फ यहाँ मिडल में साइन चेंज होती है तो सिर्फ यहाँ पे सेकेंड टर्म के अंदर ही साइन चेंज होगी बाकी सब कुछ सेम रहेगा तो एट स्टैंडर्ड के अंदर आपने कुछ ऐसे सम्स देखे होंगे स्टैंडर्ड के अंदर स्टूडेंट्स आपने कुछ इस तरीके के सम्स देखे होंगे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला होगा कि फैक्टराइज ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी एक्स प्लस नाइन राइट इस चीज को आपको क्या करना है स्टूडेंट्स फैक्टराइज करना है तो देखो आप इस यहां पे टोटल कितने टर्म्स है वन टू एंड थ्री तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो टो टोटल कितने टर्म्स हैं स्टूडेंट्स थ्री टर्म्स आर देयर यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पॉजिटिव होने चाहिए जो कि है क्लियर और दोनों का स्क्वायर रूट निकलता होना चाहिए जब इस तरीके का क्वेश्चंस अगर आपको देते हैं एग्जाम के अंदर तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं तो समझना है स्टूडेंट्स आपको ध्यान से ये सॉल्व करना है मैंने क्या बोला तीन टर्म हो तो ये दोनों आइडेंटिटी में से कोई भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो आप बट फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है और दूसरी कंडीशन क्या बोली मैंने दोनों का स्क्वायर रूट निकलता होना चाहिए अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इसको इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं देखो इसको ये फॉर्म में दिया है आपको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट्स 5x का होल स्क्वायर प्लस टू लिखने का फिर दो ब्रैकेट छोड़ दो प्लस नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है थ्री मतलब थ्री का स्क्वायर नाइन चलो यहां पे ब्रैकेट में क्या मिला आपको फाइव एक्स और इधर क्या मिला थ्री क्लियर है स्टूडेंट्स तो देखो हो गया ये फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यहां पे ए की जगह आपका क्या दिया है फाइव एक्स और बी की जगह आपको क्या दिया है थ्री अगर ऐसा हो तो उसकी जगह आप ये फॉर्म लिख सकते हो राइट So, यहाँ पे ए की जगह क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स फाइव एक्स प्लस बी का क्या है थ्री का होल स्क्वायर क्लियर है लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फैक्टराइज फोर्टी नाइन वाई स्क्वायर प्लस एटी फोर वाई जेड प्लस थर्टी सिक्स Z Now, देखो स्टूडेंट्स इन ये सब में भी टोटल कितने टर्म्स है पहले तो आप गिन लो तीन टर्म्स वन टू एंड थ्री ओके नाउ आर थ्री टर्म्स आर आदर फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म शुड बी पॉजिटिव जो कि है और दोनों का क्या निकलता होना चाहिए स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट निकलता होना चाहिए वो भी निकल रहा है क्योंकि फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट क्या होता है सेवन और थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट क्या होता है सिक्स तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये तरीके इस तरीके से फैक्ट यहां पर दोनों टर्म पॉजिटिव है और दोनों का स्क्वायर रूट भी निकलता है तो हम क्या लिखेंगे सेवन वाई का होल स्क्वायर बिकॉज सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन होता है फिर क्या लिखना है स्टूडेंट्स टू दो ब्रैकेट करने हैं प्लस थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट क्या होता है सिक्स जेड का होल स्क्वायर अब यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सेवन वाई और यहां पे क्या लिखेंगे सिक्स जेड क्लियर है स्टूडेंट्स ओके okay. तो जब भी ऐसा हो तो देखो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्म में हो गया तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या लिखेंगे सेवन वाई प्लस सिक्स जेड का होल स्क्वायर क्लियर है तो इन दिस वे यू कैन फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल राइट हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ये मेथड से जो कि आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड एट में पढ़ चुके हो बट अगर आपको कुछ दूसरे टाइप के सम बट सपोज आपको इस तरीके का सम दिया है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट इसको आपको फैक्टराइज करना है तो देखो इसमें तीन टर्म है हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं तीन टर्म होने चाहिए जो कि तीन टर्म है ओके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स पॉजिटिव होना चाहिए जो इधर पॉजिटिव भी है बट दूसरी कंडीशन क्या थी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों का स्क्वायर रूट निकलता होना चाहिए तो क्या इधर स्टूडेंट्स फर्स्ट और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट निकलता है फर्स्ट का तो निकल सकता है लेकिन लास्ट एट का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं बिकॉज एट किसी का स्क्वायर नहीं है राइट right? सो so, इस केस में जब ऐसे सम दिए होंगे तब हम आइडेंटिटी यूज कर सकते नहीं है जो कि हमने प्रीवियस सम्स के अंदर देखा तो ऐसे सम को हम स्प्लिटिंग मैथड से सॉल्व करेंगे अब स्प्लिटिंग मैथड द नेम इट्स गिव इट्स डेफिनेशन स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग मतलब डिवाइड करना क्या करना डिवाइड स्प्लिट करना अलग करना तो यहां पे देखो स्टूडेंट स्प्लिटिंग वाली मैथड हो तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ध्यान से सुनना फर्स्ट टर्म यानी एक्सक्वायर है इसके आगे कोई नंबर है स्टूडेंट्स कुछ नहीं है तो क्या गिनेंगे हम बाय डिफॉल्ट वन गिनेंगे क्या गिनेंगे वन तो फर्स्ट टर्म का को ऑफिशियंट दैट इज वन एंड लास्ट टर्म क्या है कॉन्स्टेंट टर्म एट इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स तो वन जा कितना मिला एट मिला क्लियर क्या करना है वापस देखते हैं एट लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म के को का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिला आपको स्टूडेंट्स एट ओके अब समझना स्टूडेंट्स ध्यान से एट के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसका इधर साइन देखनी है इधर कौन सी साइन है आपके पास प्लस तो जिसका प्लस करने से क्या मिले सिक्स मिले ओके देखो एट के फैक्टर निकाल देते हैं पहले तो वन एट ज़ा एट हो गया फिर दूसरा टू के टेबल में एट आता है यस टू फोर ज़ा एट राइट थ्री के टेबल में तो नहीं आता फोर के टेबल में आता है फोर टू ज़ा रिपीट हो गया इधर से स्टॉप कर देंगे चलो तो ये दो फैक्टर मिले वन एट ओके अब मैंने क्या बोला यहां पे साइन कौन सी है प्लस मतलब ये दो फैक्टर का अगर मैं प्लस करूं तो मुझे ये मिडल टर्म मिलना चाहिए दैट इज मिलना चाहिए चलो इधर वन प्लस एट करेंगे तो वन प्लस एट तो क्या हो जाएगा नाइन तो हमें तो क्या लाना है सिक्स तो ये नहीं होगा चलो टू प्लस फोर करे टू प्लस फोर तो टू प्लस फोर कितना होता है स्टूडेंट सिक्स मिल गया तो दिस अवर फैक्टर्स, राइट सो क्या लिखेंगे देखो कैसे लिखेंगे इसको स्क्वायर एक्सक्वा एक्स इट इज लिख देना है फर्स्ट टर्म फिर प्लस लास्ट का जो टर्म है उसको भी एज इट इज लिख देना है ओके okay. अब हमें क्या करना था इन दोनों का प्लस तो इधर क्या लिखेंगे प्लस टू एक्स तो पहला फैक्टर प्लस दूसरा क्या है फोर एक्स तो हमने यहां पर स्टूडेंट क्या किया तीन टर्म दिए थे आपको उसमें से हमने कितने टर्म बनाए चार टर्म बनाए इसलिए हमने मिडल टर्म को क्या किया स्प्लिट किया दो टर्म के अंदर स्प्लिट किया इसलिए ये मेथड का नाम क्या है स्प्लिटिंग मेथड इज इट क्लियर ओके आपको यहां पे प्लस करके वेरीफाई कर लेना है प्लस टू प्लस फोर तो टू प्लस फोर सिक्स और बड़ी वैल्यू की साइन ओके नाउ फर्स्ट दो टर्म में से क्या निकलेगा स्टूडेंट्स कॉमन एक्स निकलेगा इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है तो एक्स कॉमन निकाल दो क्लियर चलो यहाँ से एक्स निकल गया कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर हम पहले सिर्फ ये दो टर्म की बात कर रहे हैं तो इधर से x निकाल दिया दोनों में से कॉमन तो इधर एक x बचेगा बिकॉज यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक x बचा बीच में साइन कौन सी है प्लस चलो ये टर्म में से x चला गया तो क्या बचेगा सिर्फ टू क्लियर है स्टूडेंट्स इतना समझ में आ गया अब ये जो मिला ना आपको x प्लस टू वो सेम टू सेम इधर लिख देना है थोड़ी जगह छोड़ के ओके अब ये दो टर्म की बात करते हैं चलो यहां पे x प्लस टू तो मिल गया है हमें इधर x है और इधर क्या है 4x है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपको 4x मिल जाए तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? प्लस फोर देखो मल्टीप्लाई करके देख लो फोर इन एक्स फोर एक्स प्लस फोर टू गया क्लियर है स्टूडेंट्स ओके okay. अब ये दो टर्म की बात करें इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलता है x प्लस टू एक्स प्लस टू निकल गया तो x प्लस टू को एक बार लिख देते हैं बार चलो इधर से अगर x प्लस टू चला जाए तो क्या बचेगा स्टूडेंट सिर्फ x बचेगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे x चलो इधर से x प्लस टू निकाल दो तो क्या बचा आपके पास प्लस फोर क्लियर सो दिस इज योर आंसर क्लियर है स्टूडेंट्स ये स्प्लिटिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसकी आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स जिससे आपको स्टैंडर्ड के अंदर डिफिकल्टी ना हो बिकॉज स्टैंडर्ड के अंदर सेकेंड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर ये दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें ये मेथड सबसे ज्यादा यूज होने वाली है तो अभी से इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको आगे जाके दिक्कत ना हो क्लियर है स्टूडेंट्स लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल जैसे आपको और टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या देखेंगे तीन टर्म है फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन टर्म है पहला टर्म और लास्ट टर्म पॉजिटिव है ओके okay? क्या दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है नहीं निकलेगा तो हम आइडेंटिटी तो यूज़ करेंगे नहीं तो कौन सी मैथड यूज करेंगे हम स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग मैथड तो स्प्लिटिंग मैथड के लिए मैंने आपको आगे वाले सम में ही बताया क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू ट्वेंटी वन दैट इज़ ट्वेंटी वन अब ट्वेंटी वन के क्या निकालेंगे फैक्टर्स निकालेंगे क्या निकालेंगे फैक्टर्स इधर कौन सी साइन है प्लस है देखो ट्वेंटी वन के पहले फैक्टर निकाल देते तो वन इंटू ट्वेंटी वन हो जाएगा फिर टू के टेबल में तो ट्वेंटी वन आता नहीं है थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन क्लियर फिर फोर के टेबल में नहीं आता फ़ाइव के टेबल में भी नहीं आता सिक्स में भी नहीं आता सेवन थ्री ज़ा वापिस रिपीट हो गया तो स्टॉप ये इसके फैक्टर्स हो गए अब हमें करना क्या है इधर साइन देखो कौन सी साइन है प्लस है तो इन दोनों का प्लस करके हमें टेन लाना है बट कैसा माइनस टेन लाना है स्टूडेंट्स कितना लाना है माइनस टेन चलो वन प्लस ट्वेंटी वन करे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स ट्वेंटी टू लेकिन हमें तो कितना लाना है टेन तो ये फैक्टर्स आएंगे नहीं चलो थ्री प्लस सेवन करे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स टेन हो जाएगा यस yes. तो दिस आर दी फैक्टर्स तो सबसे पहले कैसे लिखने को बोला था मैंने फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे और लास्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे प्लस ट्वेंटी वन ओके अब समझना स्टूडेंट्स ध्यान से बहुत स्टूडेंट्स की गलती यहां पे होती है मैंने आपको बोला इन दोनों का प्लस करके आपको टेन लाना है तो प्लस तो हो गया चलो तो क्या कर देखिए स्टूडेंट्स पता है गलती कहाँ पर करते हैं प्लस थ्री लिख देंगे प्लस सेवन लिख देंगे ओके okay? अब देखना स्टूडेंट्स यहां पे अब देख सकते हो कि प्लस 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 होता है थ्री प्लस सेवन टेन हो भी गया लेकिन बिगर वैल्यू कौन सी है इन दोनों में बट बिगर वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट सेवन है तो उसके आगे की साइन प्लस तो प्लस टेन आना चाहिए लेकिन हमें तो क्या लाना है माइनस टेन लाना है स्टूडेंट्स तो क्या करेंगे इसको माइनस 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 भी क्या होता है प्लस होता है और बड़ी वैल्यू कौन सी इन दोनों में सेवन उसके आगे साइन माइनस तो माइनस टेन हो गया क्लियर है तो ये साइन में आपको बहुत ध्यान देना है चलो इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे क्या निकलेगा एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी है तो एक्स को कॉमन निकाल दे ब्रैकेट इधर से एक एक्स चला गया तो एक एक्स बचा बीच में साइन कौन सी है माइनस की इधर से एक्स चला गया तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स ओनली थ्री बचा ये जो मिला ना आपको एज इट इज़ इधर लिख दो ओके, okay? नाउ अब ये दो टम ये दो टम का काम खत्म हो गया तो इसको हम छुपा देते हैं यहाँ पे x प्लस थ्री है और हमें कितना लाना है माइनस सेवन एक्स तो एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूँ जिससे माइनस सेवन एक्स मिले तो माइनस सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स देखो माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस सेवन एक्स माइनस माइनस प्लस सेवन थ्री ज्वेंटी वन हो गया ठीक है अब ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा एक्स माइनस थ्री कॉमन निकलेगा चलो इधर से एक्स माइनस थ्री निकाल दो तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक्स बचा और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा माइनस सेवन सो दिस आर द आंसर राइट दिस इज द आंसर दिस आर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी वन तो इन दिस वे यू कैन फैक्ट्राइज द क्वार्रेटिक पोलिनोमियल कौन सी पोलिनोम है स्टूडेंट ये क्वार्रेटिक बिकॉज इसकी डिग्री कितनी है टू है ओके okay? हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था फर्स्ट वीडियो के अंदर राइट लीनियर क्वार्रेटिक एंड क्यूबिक तो ये कौन से टाइप की पोलिनोम है क्वार्रेटिक तो हम स्प्लिटिंग मैथड क्वार्रेटिक पोलिनोम के लिए यूज कर रहे हैं इज इट क्लियर आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हाउ टू स्प्लिट द मिडल टर्म हमने तीन टर्म में से कितने टर्म बनाए चार टर्म राइट ये ऑलरेडी आप एट स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़े थे इसका हम रिवाइज कर रहे हैं यहां पे नाइन्थ में राइट right? तो अभी भी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है ओके लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स पी सॉरी स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्सटीन राइट सो यहां पे आप देखो स्टूडेंट्स तीन टर्म है ओके okay? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पॉजिटिव होना चाहिए अगर आइडेंटिटी यूज करनी है तो क्या इधर है लास्ट टर्म नेगेटिव है तो आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते तो कौन सी मेथड यूज करेंगे है? हम स्प्लिटिंग मेथड चलो तो स्प्लिटिंग मेथड के लिए क्या करेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो इधर कुछ नहीं है तो वन वन इंटू सिक्सटीन तो क्या मिला सिक्सटीन ओके okay. अब सिक्सटीन के फैक्टर्स ढूंढ लो पहले तो वन सिक्सटीन जा सिक्सटीन टू एट जिक्सटीन फोर फोर जा सिक्सटीन क्लियर डन ओके अब इधर कौन सी साइन है स्टूडेंट्स माइनस तो इन दोनों फैक्टर का माइनस करके आपको क्या लाना है सिक्स लाना है क्या लाना है सिक्स चलो सिक्सटीन और वन का माइनस करो तो कितना मिलेगा फिफ्टीन हमें तो कितना लाना है सिक्स तो ये नहीं आएगा चलो एट और टू का माइनस करो तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स सिक्स मिल गया राइट सो दीज आर दी फैक्टर्स ओके नाउ चलो ये दो फैक्टर हो गए वो तो हमें पता चल गया अब कैसे लिखेंगे इसको एक्स स्क्र और लास्ट टर्म माइनस सिक्सटीन लिख दिया डन ओके okay. अब दोनों का क्या करना है स्टूडेंट्स माइनस तो माइनस करके आपको सिक्स लाना है ठीक है ना तो क्या लिखेंगे प्लस टू एक्स माइनस एट एक्स देखो प्लस माइनस माइनस हो गया समझना प्लस माइनस माइनस बट अगर एट में से टू निकालोगे तो सिक्स मिल जाएगा लेकिन इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट्स एट है उसके आगे साइन क्या है माइनस लेकिन आपको तो क्या लाना है प्लस लाना है इसलिए हम क्या करेंगे इसको प्लस बनाएंगे और इसको क्या करेंगे माइनस ध्यान देना यहाँ पे गलती ज्यादातर स्टूडेंट्स की इसमें ही होती है ठीक है ये माइनस है अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे एक्स तो इधर क्या मिलेगा आपको एक्स माइनस टू ये जो मिला वो सेम टू सेम इधर लिख देंगे चलो यहाँ पे एक्स है और इधर कितना है एट एक्स तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे एट से तो देखो एट इन एक्स एट एक्स और एट टू सिक्सटीन। ओके चलो इन दोनों में से कॉमन एक्स माइनस टू चलो यहाँ से एक्स माइनस टू निकल गया तो क्या बचेगा सिर्फ x और यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस एट राइट सो दिस इज योर आंसर राइट आई होप आपको स्प्लिटिंग मेथड समझ में आ गई होगी हाउ टू स्प्लिट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर ये समझ में आ गया होगा तो ही हम एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर फोर है फैक्टराइज वो हम कर पाएंगे ठीक है स्टूडेंट्स सो so, इसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा और प्रैक्टिस करेंगे क्लियर आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा थैंक यू